2020 हमारी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। साला साल की शुरुआत ही बेकार थी। सबसे पहले कोरोना महाशय आ गए, उसके बाद हम सबकी जिंदगियां पलट दी। कई लोगों ने अपनी जॉब खो दी, बहुत लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स खो दिए, हमारी जनरेशन के काफ़ी स्टार्स खो दिए, काफ़ी आइडल्स को खो दिया। हम में से किसी को भी नहीं लगा था कि ये कोरोना इतना ज़्यादा चल जाएगा और इतना कुछ बदल देगा हमारी लाइफ के अंदर। हम सब के जितने भी प्लान्स थे इस साल को लेके वो सब खराब ही हुए, और इन सब के बीच में कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा। ये कोरोना जाएगा नहीं जाएगा, हमें अपनी जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा था। बट इन दी एंड इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इस साल ने मुझे सिखाया कि हमें अपनी मुश्किलों से लड़ना चाहिए, हमें अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। हर बार ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, कभी कभार तुम्हें ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है। इस साल की वजह से मुझे अपनी फैमिली की वैल्यू पता चली। जब मैं उनके साथ रहने लगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, तब मुझे पता चला मैं कितना कुछ मिस कर रहा था अपनी हेक्टिक ज़िंदगी में। मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, फोटोग्राफी सीखी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और अब जाके जब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि मतलब ये सब ख़त्म हो सकता है, ये सब हमारे पीछे हो सकता है टाइम पे आके, अगर हम अभी से प्रिकॉशंस और सब को अच्छी तरह से फॉलो करें तो ये सुन के या सोच के बहुत अच्छा लगता है। अगर इस साल आपने हल्की सी भी ग्रोथ करी ना, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, पर्सनल ग्रोथ करी या फिर रिलेशनशिप ग्रोथ करी, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने उस साल को 2020 को दिखा दिया कि तुम कितना भी मुझे पीछे ढकेल लो, मैं हमेशा आगे बढ़कर ही दिखाऊंगा। ये साल हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। लेकिन उसमें साल की गलती नहीं है, उसमें सिचुएशंस की गलती है, उसमें सिनेरियोस की गलती है। लेकिन अगर इस साल की वजह से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आगे बढ़ने को मिल रहा है, तो शायद ये साल उतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर 2020 आपके लिए अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, तो आई होप आपके लिए 2021 अच्छा हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, और सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को फिगर आउट कर पाओ। मेरा नाम है पुंज, दिस इज पुंज स्टूडियोज, एंड आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर।